रिकॉर्डिंग। चलो आज हम लोग देखेंगे, जो कल हम टॉपिक स्टार्ट किए थे ना, उसको अब थोड़ा डिटेल में देखेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वगैरह। अब ये हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वगैरह को क्या है, डिटेल में हम लोग देखेंगे। देखिए, तो सबसे पहले शिवम कल पूछ रहा था कि लाइट क्या है। तो देखिए, लाइट के बारे में यहाँ पे क्या दिया हुआ है। लाइट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी दैट कैन बी कन्वर्टेड इन टू अदर टाइप ऑफ एनर्जी। लाइट एक प्रकार का टाइप ऑफ एनर्जी है, जिसके थ्रू हम लोग एक एनर्जी को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। जैसे लाइट से सोलर एनर्जी मिला है, सोलर एनर्जी को आजकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फिर दूसरे फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये चीज बता रहा है, लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी फिजिकल मीडियम टू प्रोपगेट। मतलब लाइट को किसी मीडियम का जरूरत नहीं है। वैकम, वैकम जानते हो ना, जहां पर एयर नहीं है वहां भी ट्रेवल कर सकता है। लाइट वेलोसिटी इन एयर, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर दिया हुआ है, ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। पेन कर लेने में ही ज्यादा भलाई है, ठीक है, समझ गया ना। वेलोसिटी ऑफ लाइट जानते हो ना, थ्री इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हो गया रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। चलिए देखिए, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन क्या होता है कि जब लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है ना, उसी को हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। तो लाइट को क्या बोलते हैं, लाइट ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जानते ही हो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डिस्क्राइब द फेनोमेना बाय व्हिच ए रे ऑफ लाइट चेंज इट्स प्रोपगेशन डायरेक्शन वेन इन इनकाउंटर ए बाउंड्री। मतलब क्या बोल रहा है कि यहाँ से लाइट आ रहा था और इस सरफेस पे टकराया और इधर लौट गया, तो इसका डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। जब ये किसी बाउंड्री से इनकाउंटर करेगा डिफरेंट मीडिया थ्रू विच इट कैन नॉट पास। मतलब क्या है, जब लाइट रिफ्लेक्शन कब होता है, जब इसको बाउंड्री को इधर नहीं आ सकता है, टकरा के वापस इधर लौट जाएगा, समझ गए। देयर आर टू टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, पहला क्या है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा क्या है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन का स्पेकुलर रिफ्लेक्शन भी नाम है और इरेगुलर रिफ्लेक्शन का डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी नाम, ठीक है। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन, द परफेक्ट मिरर लाइक रिफ्लेक्शन इज लाइट इज नोन एज द स्पेकुलर और रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन इंक्लूड रिफ्लेक्शन इन मिरर, वाटर सरफेस एंड हाईली पॉलिश्ड फ्लोर। मतलब क्या होता है, कभी कभी हम लोग में टाइल्स एकदम चमकदार अगर लगा हुआ है घर में, तो उसमें भी अपना चेहरा दिखाई देने लगता है कभी कभी, तो वो भी क्या होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। मिरर में तो होता ही है, प्लस में वाटर में भी हम लोग का चेहरा दिख जाता है, तो ये सब है, ठीक है। जाएगा, शेर को भी दिख जाएगा। नेक्स्ट, देखिए चलो देखो नेक्स्ट, इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑल्सो नोन एज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइक ए रफ और अनपॉलिश्ड वॉल। मतलब क्या है कि जैसे कि यहाँ पे देखिए, मतलब इसको ऐसे भी बोला जा सकता है, जो रेगुलर रिफ्लेक्शन हुआ ना उसमें टोटल रिफ्लेक्शन हो गया, मतलब एक पैटर्न के अनुसार हो रहा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे फॉलो होगा, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। देख रहे हो, कोई आ रहा है तो इस डायरेक्शन में, कोई इतना एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, समझ गए ना। तो ये ऊबर खाबर, मतलब ये प्लेन सरफेस नहीं है, रफ सरफेस पे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा, समझ गए ना। इट इज कॉमनली रेफर्ड एज लाइट स्कैटरिंग एज ए रिजल्ट ऑफ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट बिकम विजिबल। मतलब क्या है कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के कारण ही नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट बिकम विज हम लोग को दिखाई देता है कोई चीज, जो चमकने वाला चीज नहीं है वो हम लोग को दिखाई किसके कारण देता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन के कारण। थोड़ा सा वो अवशोषित किया, थोड़ा सा जाने दिया, तो ये समझ में आ गया।
ये हम लोग कल देखे थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन सरफेस, मतलब क्या है, इसमें इस तरह का इमेज दिखा दिया है, ये एक प्रकार का मिरर था, ठीक है ना, यहाँ से लाइट आया और इधर टकरा के वापस चल गया, ये हमारा नॉर्मल था। तो हम बताए थे ना कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाता है, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है, समझ गए ना। तो ये फिगर को तुम लोग बना सकते हो अच्छा से उस फेनोमेना को दिखाने के लिए, इसी के बारे में ऊपर लिखा गया है, उसके बारे में उतना डिटेल में पढ़ना कोई जरूरी नहीं है, समझ गए ना। तो इस फिगर को बना सकते हो, यहाँ पे फिगर को अच्छा से बना सकते हो तुम लोग। प्लेन मिरर में कैसे हम लोग जो आईना देखते हैं ना, उसमें कैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, बना लो इसको जल्दी। सबका मतलब समझ में आना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, मिरर क्या है, ये सब समझ में आ जाना चाहिए बेसिक चीज। चलो हो गया, तब आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम बता दिए थे कल, 1 मिनट यार, कहाँ चला गया। Here are the top search results. देखिए यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या बता रहा है कि द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑब्जर्व टू अप्लाई टू एनी प्लेन सरफेस रिफ्लेक्शन, द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल सेम प्लेन में होगा, पहला चीज था। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा, ठीक है। एंगल आई को क्या बोलते हैं, ये वाला जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये वाला जो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा, यही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। और इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होगा, दो चीज था लॉ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये भी नीचे का दे देंगे, ये नोट्स बहुत अच्छा है, ये सब वेदांतों के बच्चा को ये सब मिलता है।
देखिए ये हमारा मिरर है, ठीक है ना। हम लोग मान लो कि किसी आईना के सामने खड़े हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, यहाँ पे इमेज बन रहा है, तो इमेज क्या होगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, समझ गया ना। किसी भी प्लेन मिरर के द्वारा कौन सा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, समझ गया। और दूसरा चीज क्या मिलेगा कि उल्टा मिलेगा, देख रहे हो ना, पी इस तरह का था तो इस तरह का उसका मुंह उधर मय हो गया। तो ये दोनों फिगर इंपॉर्टेंट है, देख के पता लग जाएगा। वर्चुअल इमेज याद रखना है, और देखिए ये क्या हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, इस समय कुछ ज्यादा दे रहा है। ये वाला कल हम बता दिए थे, स्फेरिकल मिरर क्या होता है। स्फेरिकल मिरर इज ए मिरर विच विथ ए पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट इज द पार्ट ऑफ हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। मतलब क्या होता है कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है कि उसका एक सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगा, मतलब एक पॉलिश होगा, एक रिफ्लेक्टिंग होगा, वो हॉलो स्फेयर ग्लास या प्लास्टिक का बना हुआ होता है। देखिए, वन ऑफ द टू कर्व्ड सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर कोटेड विद अ थिन लेयर ऑफ सिल्वर फॉलोड बाय ए कोट ऑफ रेड लेड ऑक्साइड पेंट। मतलब किसी भी मिरर में सिल्वर कलर का कोटिंग किया रहेगा, और लाल और रेड कलर का लेड के ऑक्साइड का, ठीक है। एज ए रिजल्ट वन साइड ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज ओपेक्यू, मतलब रिफ्लेक्टेड करेगा और एक ढका हुआ रहेगा, वाइल द अदर इज हाईली पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक ढका हुआ और एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, समझ गया ना। ओपेक्यू साइड ऑफ मिरर इज ऑलवेज शेडेड इन डायग्राम, मतलब डायग्राम में हम लोग ऐसे 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 करते हैं ना, तो ये शेडेड यही है, मतलब इसमें जो लिया है वेदांतु वाला अपना मटेरियल, इसमें शेडेड बताया है। दो टाइप का स्फेरिकल मिरर होता है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, दोनों का डेफिनेशन दिया हुआ है। ए कॉनकेव मिरर इज ए स्फेरिकल मिरर विच ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस ओरिएंटेड टुवर्ड्स द सेंटर, इसमें टुवर्ड्स द सेंटर रहेगा, समझ गया ना। ये इसका सेंटर है, तो ये जो मिरर बनेगा तो इसके सामने की तरफ इसका सेंटर रहेगा, तो ये हो गया टुवर्ड्स द सेंटर, तो कॉनकेव। और कॉन्वेक्स में क्या रहेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला है, बाहर साइड वाला, अवे फ्रॉम द सेंटर। तो अलग अलग थोड़ा सा डेफिनेशन है एनसीईआरटी से, लेकिन ठीक ठाक है। इसका डेफिनेशन लिख सकते हो यहां से, और इसका फिगर बना सकते हो, समझ गए ना। जल्दी 2 मिनट में ये दोनों का डेफिनेशन और ये फिगर बनाइए, कॉन्वेक्स है और ये कॉनकेव है। इसको अपने तरीका से भी बना सकते हो, कॉन्वेक्स का कॉनकेव का हम लोग ऐसे बनाते हैं। ये क्या है, कॉनकेव है, और कॉन्वेक्स का कैसे बनेगा, कॉन्वेक्स का अंदर की तरफ पॉलिश्ड रहेगा, कॉन्वेक्स का, ठीक है ना। तो ये कॉन्वेक्स और ये कॉनकेव, फिर आगे देखते हैं इसका सारा प्रॉपर्टीज। चलो आगे बढ़े ना भाई।
चलिए अब आगे देखिए, ये क्या दिया हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कल ये सब हम लोग पढ़ रहे थे ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ स्फीयर। स्फीयर जैसे कि ये गोला है, इसका कुछ ना कुछ सेंटर है, तो उसका सेंटर क्या कहलाएगा, उसका कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। ठीक है, इसको सी पॉइंट से इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना, सेंटर को। नेक्स्ट क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर से पोल को मिलाएंगे, एक्चुअल में ये पोल था, तो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। द रेडियस ऑफ स्फीयर मतलब ये वाला जो गोला था, इसका कुछ ना कुछ रेडियस रहेगा, तो इसी के रेडियस को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, जिसको कैपिटल लेटर आर से डिनोट करते हैं। समझे ना, ये दोनों चीज क्लियर है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस क्या है, मतलब कोई भी मिरर बनाओगे, कोई भी मिरर बनाओगे तो किसी न किसी मतलब क्या है कि स्फेरिकल गोला का ही पार्ट होगा, तो उसका कुछ न कुछ रेडियस होगा, वही रेडियस क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। या इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज ऑल्सो कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी कोई गलत नहीं है। यहाँ पे अगर पी मान लिया जाए तो सीपी इज इक्वल टू आर बोलेंगे, क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ गया ना, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है समझने का है। नेक्स्ट देखिए, अपार्चर क्या होता है, ठीक है ना, अपार्चर मतलब बोलते हैं मोटाई कितना है। ठीक है, मतलब क्या है, मान लो कि ये डॉटेड पार्ट जो दिख रहा है ना, डॉटेड पार्ट वो आपका मिरर नहीं है, ये इतना ही आपका मिरर है, तो देखिए उसका मोटाई कितना है, एक्स से वाई के बीच का जो डिस्टेंस है वो उसका क्या है, अपार्चर है। समझ गया ना, पोल बतेबे किए थे कि कल क्या है, पोल इज द स्फेरिकल मिरर अपार्चर मिड पॉइंट, मतलब ये जो इसका अपार्चर जो हम लोग इसको, ये है ना अपार्चर, इसका एक्स से वाई का जो डिस्टेंस है, इसका जो मिड पॉइंट है वो पोल है, मिड पॉइंट जो है उसका पोल है। समझ गया ना, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्फेरिकल में स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब जो प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस जरूरी नहीं है कि ये सीपी पे ही खत्म होगा, प्रिंसिपल एक्सिस इसके आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन उसमें दो चीज क्या है कॉमन है, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल एक एक ही लाइन पर होना चाहिए, उस लाइन को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। तो ये सब छोटा छोटा चीज है, इसको पढ़ना, नोट्स बनाना देंगे इसको। है ना, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ये है, इस पे दो चीज होना चाहिए, पी पॉइंट भी आना चाहिए, सी पॉइंट भी आना चाहिए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए दे रहा है। सेकेंडरी एक्सिस, अब फिर उसके अलावा, प्रिंसिपल एक्सिस के अलावा कोई भी अगर चीज अगर ऐसे वैसे खींचिएगा तो वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी एक्सिस कहलाएगा। समझ गए ना, ये सब देखने का है पीपीटी। चलिए, नॉर्मल क्या है, नॉर्मल ये नॉर्मल देख रहे हो ना, नॉर्मल क्या कर दिया है, यहां से एक एंगल ड्रॉ कर दिया है, एक एंगल ड्रॉ किया है सेंटर ऑफ कर्वेचर से ए पॉइंट, तो उसका क्या कहला रहा है, नॉर्मल कहला रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा डायग्राम दिया हुआ है कॉनकेव मिरर के लिए, ये वाला डायग्राम बहुत बढ़िया डायग्राम है, ठीक है ना। देखो ये जो ऐसा ऐसा है वो रे दिखाया गया है आपको, ठीक है, रे दिखाया गया, कोई भी रे अगर पैरेलल चलेगा ना, कोई भी रे पैरेलल चलेगा तो वो फोकस पे ही आके कटेगा। समझ गया ना, कोई भी रे अगर पैरेलल चलेगा तो फोकस पे ही कटेगा, वो ऊपर से आए
तो भी फोकस पे कटेगा, नीचे से आए तो भी फोकस पे जाके टकराएगा, समझ गया ना? ये कॉनकेव कॉनकेव मिरर के केस में। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा कि देखो, जैसे कि यहाँ पे रे चला इधर से चला, लेकिन क्या होगा कि रे इधर ही टकरा जा रहा है, मतलब इधर ही लौट जा रहा है ना जी, क्योंकि इसका क्या है, ये कौन, देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है इसने ये बनाने में, इसको कॉन्वेक्स लिखिए, ठीक है ना, कॉन्वेक्स लिखिए। तो कॉन्वेक्स में एक्चुअल में क्या हो रहा है कि टकरा, इधर से जो आया तो ये टकरा के वापस चल गया, तो इसको हम लोग वर्चुअली पीछे की तरफ मिलाते हैं, समझ गए ना? ये इधर से आया तो टकरा के इधर जा रहा था, तो इसको वर्चुअली मिलाया जाता है, तो उसका फोकस में मिलता हुआ प्रतीत तो होता है, समझ गए ना? फोकस, फोकस का डिफिनेशन क्या बोलेंगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए मिरर आइदर पास थ्रू ए पॉइंट इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर और एपियर टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट, मतलब एपियर टू डाइवर्ज, मतलब देखिए ये मिलता हुआ प्रतीत होता है, इसीलिए वर्ड इसका कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या यूज किया गया है, एपियर टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, और यहाँ पे कॉनकेव लेंस के केस में क्या किया है कि आइदर पास थ्रू ए पॉइंट, मतलब ये निश्चित है कि ये पैरेलल जाएगा तो कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव मिरर है तो ये यहाँ टकराएगा, लेंस भी होता है दो तरह का, वो दिमाग पर आ जा रहा है, लेकिन पहले कॉनकेव मिरर पढ़ रहे हैं अभी। तो प्रिंसिपल फोकस का डेफिनेशन आप लोग लिखिए यहाँ से और इसका फिगर बनाइए, यहाँ सुधारना है खाली, इसको कॉन्वेक्स कर देना है। इसको ऐसे भी कर सकते हो, जो चीज ये ऐसे दिया हुआ है ना, ये जो दिया हुआ है इसको ऐसे कर सकते हो, ठीक है, ये जो चीज ऐसे दिया हुआ है इसको अंदर की तरफ रंग सकते हो, ऐसा भी परिवर्तन कर सकते हो, इसको घर पे बनाना भाई, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, फोकल पॉइंट इन हिडन बिहाइंड द मिरर। कॉन कॉन्वेक्स वाला में देखे थे ना, कॉन्वेक्स में क्या होता था, कॉन्वेक्स मिरर अगर है तो इसका क्या है कि अंदर वाला ही रंगा हुआ रहता है, ठीक है, अंदर वाला ही रंगा हुआ है, समझ गया ना, इसका अंदर वाला ही रंगा हुआ है, तो मान लो कि कोई लाइट इसके पैरेलल आया तो ये टकरा के इधर से वापस जाने लगता है, लेकिन इसको क्या करते हैं वर्चुअली यहाँ पे मिलाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि इसका फोकल पॉइंट हिडन होता है, छुपा हुआ होता है, लेकिन कॉनकेव मिरर में क्या रहेगा, कॉनकेव मिरर में इसका बाहरी सरफेस क्या रहता है, पॉलिश रहता है, तो जो पैरेलल जाएगा वो टकरा के फोकस से जाएगा, समझ गया ना, ये इधर गया तो इधर फोकस से टकरा के जाएगा, तो ये पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्या है, बिकॉज ऑफ रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस, मतलब इसमें क्या होता है कि ये टकराने के बाद जो ये वापस जा रहा है तो लग नहीं रहा है कि ये फोकस से जा रहा है, ओके, कॉन्वेक्स मिरर में ये कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है, समझ गया ना, द फोकस एग्जिस्ट बिकॉज लाइट रेज कन्वर्ट द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब यहाँ पे सारा आके यहाँ पे इसका फोकस पे मिलेगा, जितना भी पैरेलल रे रहेगा इधर से टकरा के इस पे मिलेगा, तो दोनों का ये डिफरेंस है, उसके फोकल लेंथ फोकस में क्या डिफरेंस है ये भी इसमें दिया हुआ है। समझ गए ना? लिखो नहीं है सब, तुमको हम दे देंगे, उसमें से नोट करना। अब देखिए ये साइन कॉन्वेंशन एकदम जरूरी है, न्यूमेरिकल आएगा इस पे तो एकदम जरूरी है, ठीक है ना, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पोजिशन टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, मतलब मिरर ये है आपका तो ऑब्जेक्ट को, ये वाला मिरर है ना, ये वाला मिरर है तो ऑब्जेक्ट को किधर रखना है, लेफ्ट साइड रखना है, ये चीज, ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम द मिरर पोल, जो भी डिस्टेंस आएगा वो कहाँ से मापना है, पोल से ही मापना है, ठीक है, जैसे कि मान लो कि एक हम बनाते हैं, ये हम बनाते हैं,
ये पोल हो गया, ठीक है, ये इसका फोकस हो गया, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है ना। तो पी एफ को क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ, पी सी को क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये दोनों याद रखिए। ये सब सब चीज कहाँ से नपाएगा, मतलब कि मान लो कि यहाँ ऑब्जेक्ट का आगे आएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इमेज कहाँ बन रहा है, ये सब चीज आएगा, लेकिन सब चीज को पोल से ही लेना है। डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर पॉजिटिव, मान लो कि इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में आ रहा है, समझ गए ना, इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो इस तरफ वाला सब क्या कहलाएगा, पॉजिटिव कहलाएगा। अगर इस तरफ कोई चीज बनने लगेगा तो निगेटिव कहलाएगा। इसको देखेंगे हम लोग। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि कोई इमेज ऐसे रखा हुआ है, इसका ए बी कोई इमेज है, तो इसका जो डिस्टेंस लेना है ए बी का तो पॉजिटिव लेना है, और नीचे अगर इसका इमेज बन गया पी ए डैश हो गया, तो नीचे वाला चीज को क्या लेना है, निगेटिव लेना है। तो ये सब जैसे जैसे आएगा न्यूमेरिकल, वैसे वैसे स्पष्ट होगा। साइन कॉन्वेंशन सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला चैप्टर में। देखो यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, ये आपका कौन सा है, ये आपका कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में ये क्या है, रे इस तरफ से जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इस तरफ वाला चीज क्या कहलाएगा, इस तरफ का जितना भी चीज होगा उसका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और इस तरफ यानी कि कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर में पी एफ क्या है, पी एफ इसका फोकल है, तो फोकल को क्या लेना है, पी एफ को क्या लेना है, इसमें माइनस एफ लेना है ये वाला केस में, क्योंकि इस साइड वाला सब चीज इसका क्या होगा, निगेटिव होगा। उसका पी सी क्या लेना है, माइनस आर लेना है, समझ गया ना, अपने आप ले लेना है। अगर 10 फोकस दिया तो -10 अपने आप कर लेना है, क्योंकि ये क्या है, रे के अपोजिट डायरेक्शन में है। लेकिन ये वाला इसका पॉलिश्ड है, ठीक है ना। इंसिडेंट रे मान लो कि इधर से आ रहा है, इंसिडेंट रे मान लो कि इधर से आ रहा है, तो इस साइड वाला इसका सब चीज पॉजिटिव। तो देखिए दोनों में ये भी एक डिफरेंस है कि कॉन्वेक्स मिरर का जो पीएफ होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसका पीसी जो होगा वो पॉजिटिव होगा। मतलब फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर, कॉन्वेक्स मिरर का क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, और कॉनकेव मिरर का क्या लेना है, निगेटिव लेना है। कोई दिक्कत इसमें, ये भी एक प्रकार का डिफरेंस है, याद रखना है हमेशा। पता चल गया, इसको नोट करके यहां लिख सकते हो, नोट लिख के लिख लो, नोट, फोकल लेंथ एंड फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इन कॉनकेव मिरर क्या होगा, निगेटिव, एंड वाइस वर्सा का मतलब होता है कि फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, यानी कि जो एफ होगा और आर होगा, कॉनकेव लेंस में क्या होगा, निगेटिव होगा, और एफ और आर जो होगा कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसको अपने तरह से भी लिख सकते हो, इसका न्यूमेरिकल बनाने में यूज आएगा। तो वाइस वर्सा मतलब फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स लेंस में ये निगेटिव है तो वहां पॉजिटिव होगा। कैसे रिस्पेक्टिवली कभी कभी लिखता है कि इसके बाद वो। आगे बढ़ते हैं भाई, देखिए अब देखिए कुछ रूल है, जैसे कि मान लो कि तुम कोई मिरर लिए हुए हो ना,
तो उसमें लाइट कहीं से भी नहीं पास करवा दोगे। पहला रूल देखिए क्या बता रहा है, पहला बोल रहा है कि अगर कोई लाइट को तुम उसका सेंटर ऑफ कर्वेचरे से लाइट भेज ही रहे हो इधर, ठीक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही लाइट का कोई सोर्स रख दिए हो, वहीं से भेज रहे हो, तो टकराने के बाद वो लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लौटेगा वापस, समझे ना ये चीज है। देखिए इसका अगर इंसिडेंट रे पोल पे टकराया डायरेक्ट, तो पोल इसको इस तरफ भेज दिया, तो ये दो गो रूल आपको पता चला, पोल पे टकराएगा तो इस डायरेक्शन में आएगा। यहां पे देखिए, यहां पे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट भेजिएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचरे पे वापस आ जाएगा टकरा के, तो ये सब याद रखना है। आगे चल के जो हम लोग इमेज बनाएंगे ना, इमेज फॉर्म करेंगे, तो उसमें बहुत मदद करेगा। दूसरा चीज देखिए, दूसरा चीज देख लो भाई, देखो कॉनकेव मिरर में, ये कॉनकेव मिरर है, इसमें एक इमेज बना रहा है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे क्या होता है, सन का, ये सब का इमेज अगर बनाना है, तो देखिए हम लोग को अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते, एक को क्या कराना है, जैसे हमेशा एक चीज याद रखो, मिरर में हमेशा एगो जो लाइट होगा उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही मिरर के पास करवाना है, ठीक है। पहला देखिए, पहला जो लाइट आ रहा है वो इन्फिनिटी से आ रहा है, कहाँ टकराया, सीधा पोल पे टकराया और इस डायरेक्शन में वापस आ गया, ठीक है। दूसरा कहाँ से चला, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट आ रहा है, जो जो भी लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के तरफ ही लौट जाता है, ये इधर आया और इधर ही लौटेगा, तो देखिए यहाँ पे इसका इमेज फॉर्म्ड हो रहा है नीचे, मतलब कि इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट था उसका इमेज यहाँ पे एफ एफ पे फॉर्म्ड हो रहा है, जहां पे ये लाइन कटेगा, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन जहां पे कटेगा वहीं पे इमेज बनता है, ठीक है ना। तो मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो वो तो ऐसे था, रियल रियल तो रहता ही है रियल, तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो बन रहा है पी एफ ए ले लीजिए नाम एफ ए, तो क्या हो जा रहा है, उल्टा हो जा रहा है, इन्वर्टेड, उलट गया। एरो एरो देख लो, एरो अगर इस तरफ था ऑब्जेक्ट का साइन, तो इमेज कैसा हो जा रहा है, उलट जा रहा है, इमेज उलट गया, रियल रियल है, कोई दिक्कत नहीं, अभी रियल है, उल्टा उल्टा हो गया। और डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब क्या है कि इन्फिनिटी पे कोई चीज बहुत बड़ा था लेकिन यहां तो छोटा मिलेगा ना फोकस पे उसका, तो मेन ये चीज याद रखना है, कंडीशन आपको ये याद रखना है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जब कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो उसका जो इमेज बनेगा उसका प्रॉपर्टीज क्या होगा, रियल इमेज बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और डिमिनिश्ड होगा, इसको आप बनाइए। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन्फिनिटी एट कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर, बनाओ इसको जल्दी फिगर, और इसका प्रॉपर्टीज ये चीज याद रखना है, और धीरे धीरे वही चार पांच को डायग्राम आएगा। टॉपिक डाल लेना है ये दोनों, जो इमेज फॉर्म होगा उसका प्रॉपर्टीज हो गया और ये फिगर,
पोजीशन और इमेज भी लिख सकते हो, पोजीशन ऑफ इमेज लिख सकते हो। पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो रहा है, एग्जैक्ट इसका इमेज किस पे बन रहा है, इसका एग्जैक्ट फोकस पे ही बन रहा है, बिटवीन नहीं बन रहा है, एग्जैक्ट फोकस पे ही। अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ पे बन रहा है, फोकस पे, समझ गए ना, फोकस पे, मिरर के फोकस पे, बिटवीन नहीं। जैसे जैसे इधर सटेंगे वैसे वैसे इटवीन बिटवीन होता जाएगा। जैसे कि देखिए अब अगला फिगर में चलते हैं, देखिए थोड़ा सा आप इन्फिनिटी पे अब नहीं है, अब कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा दूरी पर है, समझ गया ना। तो क्या किया, यहां से एक पैरेलल रे चला, वो फोकस से कट के जाएगा, और एक बताया है ना कि कोई भी इमेज फॉर्म करवाने के लिए एक आपको उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रे भेजना होता है, तो भेजा, तो इसका जो इमेज बनेगा ये देखिए, ये रियल रियल था तो रियल इमेज तो रियल रहेगा, इन्वर्टेड इमेज उलट गया, मतलब क्या था, ए बी ऐसा था और बी ए मिल रहा है, ए बी का बदले में एरो देखो, ऑब्जेक्ट का एरो इस तरफ था, इमेज का एरो इस तरफ था, इन्वर्टेड हो गया, और ये डिमिनिश्ड मतलब छोटा, मतलब जो ऑब्जेक्ट तुम लिए थे उससे इमेज इसका छोटा, इसका जो इमेज बना है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बना है, ये बोल सकते हो। ये दूसरा कंडीशन है, दूसरा कंडीशन में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा गया है, कहाँ पे, थोड़ा सा दूरी पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा दूरी पे रखा गया है। अब देखिए यहाँ पे चार चीज यहाँ पे आ रहा है, मान लो कि न्यूमेरिकल बनाओगे तो ये सब चार पांच चीजों का यूज होगा, ठीक है ना। मान लो कि ए बी का हाइट तुमको 10 सेंटीमीटर दिया रहता और बी ए का हाइट मान लो एक हम सपोज ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे बी ए इक्वल टू -5 अपने आप कर लेना है, ठीक है, ये चीज हो गया। दूसरा चीज मान लो कि ये पोल है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है, बीपी है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हमेशा हम लोग मान लो कि -u से दर्शाएंगे, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे ए डैश बी डैश कर दीजिए, पी बी डैश है तो वो इमेज का डिस्टेंस है, वो हमेशा -v से दर्शाएंगे, क्योंकि सारा चीज इस तरफ है डिस्टेंस, और सब पोल से लेना है। पी एफ को -f लिखेंगे, पी सी को -r लिखेंगे, तो ये चारों चीज समझ में आया क्या है, हम क्या क्या लिख दिए, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को यू से, इमेज के डिस्टेंस को बी से, फोकल लेंथ को एफ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर को आर से रिप्रेजेंट करना है, ऑब्जेक्ट अगर बना है तो ऊपर वाला चीज को पॉजिटिव रखना है, इमेज बना है तो इसको निगेटिव रखना है, तो ये सब चीज